जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद हैं तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। बोल कि लब आजाद हैं तेरे और आज मैं अभिसार शर्मा अपने बोल। कल जिस तरह से राज्यसभा में भी संविधान का 124वां संशोधन बिल 2019 पारित हो गया, जिसके साथ ही अगड़ी जातियों में जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनके लिए 10% सरकारी नौकरियों में रास्ता जो है वो साफ हो गया। मगर मेरा सवाल कुछ और है दोस्तों। मेरा सवाल यह कि मोदी सरकार हमेशा इतनी हड़बड़ाई क्यों रहती है, इतनी जल्दबाजी में क्यों रहती है? हर बार ऐसा क्यों होता है कि पहले वो छलांग लगा देती है और उसके बाद वो इस बात पर विचार करती है कि ये छलांग मैंने सही लगाई या नहीं लगाई? 10% आरक्षण अगड़ी जातियों में जो गरीब हैं उनके लिए, क्या मोदी सरकार ने इस पर कोई शोध किया था? क्या इस पर किसी तरह का विचार विमर्श किया गया था? क्या इस बात पर विचार विमर्श किया गया था कि अगड़ी जातियों में जो गरीब हैं इस वक्त कितने लोगों को सरकारी नौकरियों में जगह मिल रही है? या इस बात पर विचार किया गया था कि संविधान ने, अदालतों ने तो तय कर रखा है कि दायरा 49.5% होगा, अगर आप इस दायरे को पार करेंगे तो उसकी अपनी चुनौतियां हैं। क्या मोदी सरकार ने इस बात पर विचार किया था कि इसे चुनौती भी मिल सकती है? क्या यह जरूरी नहीं था कि इसकी मंत्रणाएं की जाएं? जो चीज मेरे समझ के बिल्कुल परे है, मोदी सरकार का हर कदम सीक्रेसी से घिरा हुआ है। चलिए मान लिया कि नोटबंदी में आपको सीक्रेसी बनाए रखना था, मगर हुआ क्या? नोटबंदी जैसा डिजास्टर और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक माफी नहीं मांगी। जिंदगियां बर्बाद हो गए, छोटे छोटे धंधे बर्बाद हो गए, काले धन नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देती है, मगर उसके लिए आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे अपनी उपलब्धि बनाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जले पर नमक छिड़कना। देर रात आप सीबीआई के अंदर जो है ट्रांसफर्स कर देते हैं और फिर आप उसका दोष मढ़ते हैं सीवीसी के ऊपर। मतलब इस सरकार को मैं नहीं समझ पा रहा हूं, हर चीज चोर दरवाजे से करने की क्या जरूरत है? और सबसे हास्यास्पद है कि केंद्र में मंत्री रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि ये स्लॉग ओवर्स है और अब हम छक्के पे छक्का मारने वाले हैं। मैं जानता हूं कि इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं मध्यम वर्ग को रिझाने के लिए। मैं जानता हूं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स को लेकर एक अहम कदम की घोषणा की जा सकती है, मगर 4.5 साल बाद जब आप ये बात कर रहे हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप जिन नारों के साथ आए थे, जिन वादों के साथ आए थे, आप उन्हें पूरा नहीं कर पाए। और रही बात रविशंकर प्रसाद जी आपका ये कहना कि स्लॉग ओवर्स में हम 6 पे 6 मार रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर क्रिकेट के ही मायनों में बात की जाए, सबसे पहले तो देखिए यह भारत है, यह देश है, यह 20-20 ओवर का मैच नहीं है। यहां पर आपको टिक कर खेलना पड़ता है, खासकर जब शुरू से ही आपको जबरदस्त बढ़त मिली हुई है। आपको 280 से ऊपर सांसदों की बढ़त थी और 300 से ऊपर सांसदों की एनडीए की बढ़त थी, मगर धीरे धीरे अपने अहंकार के चलते, अपनी जल्दबाजी के चलते, अपने टैलेंट डेफिसिट के चलते, प्रतिभा की कमी के चलते आपने सब कुछ गंवा दिया। आपके सामने तो विपक्ष भी नहीं खड़ा था, विपक्ष भी लड़खड़ाया हुआ था। विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का आपने मजाक बनाया हुआ था। आज की तारीख में वो शख्स आपको चुनौती दे रहा है, आज की तारीख में वो शख्स आपके एजेंडे को डिफाइन कर रहा है। तो कहने का अर्थ यह, अगर मैं क्रिकेट की भाषा में ही बात करूं तो आपके अहंकार, आपके दूरदर्शी ना होने की वजह से और आपकी इस बौखलाहट के चलते हर कदम में बौखलाहट दिखाई देती है, आपने एक अच्छी खासी लीड को गंवा दिया। यही वजह है कि स्लॉग ओवर्स में आप आगे बढ़ बढ़ कर खेल रहे हैं, मगर स्लॉग ओवर्स में आगे बढ़ बढ़ के खेलने से कुछ नहीं होता। आप एक मैंडेट के साथ आए थे,
वो मैंडेट था कि देश के लिए कुछ ऐसे कदम बिठाना, कुछ ऐसे कदम उठाना कि भविष्य की नींव जो है वो तैयार हो। आपका एक भी कदम भविष्य की नींव नहीं तैयार कर रहा है, क्योंकि हर जो कदम उठाया जाता है उसका एक ही मकसद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन किस तरह से किया जाए। क्योंकि जब हर कदम, हर रास्ता वही जाता है, हर रास्ते की मंजिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन, तो जाहिर सी बात है पॉलिसी मेकिंग तो जिसे कहते हैं ना दोयम दर्जे पर चली जाती है, उसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं। यही वजह है कि यह जल्दबाजी हमें हर जगह दिखाई देती है। 4.5 साल से आपने जो अगड़ी जातियों में गरीब हैं उनके बारे में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सोचा। 3 राज्यों में जैसे ही आपको हार का सामना करना पड़ा आपने अचानक ये कदम उठा दिया। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मुझे प्रमाण दीजिए कि इस बात को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं। देखिए, मैं आपके सामने लोकसभा के अंदर 8 जनवरी को यह सवाल पूछा गया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से, और यह सवाल पूछा था कोटा प्रभाकर रेड्डी ने। उन्होंने ये पूछा था वेदर द गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग द स्कोप ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर पुअर कैंडिडेट्स फ्रॉम फॉरवर्ड कम्युनिटीज फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सवाल था उनका, सवाल नंबर ए। इसके जवाब में कृष्णपाल गुर्जर, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, वो कहते हैं एट प्रेजेंट नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन। ये 8 जनवरी को जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर ये कह रहे हैं, यानी कि आपके सरकार के दाएं हाथ को नहीं पता कि बायां हाथ क्या कर रहा है। ये है गवर्नेंस मोदी स्टाइल। आप हमेशा दौड़े दौड़े भागे भागे से क्यों रहते हैं, जबकि आपको इतना स्वर्णिम मौका मिला था, इतना स्वर्णिम मौका मिला था और आपने उसे पूरी तरह से गंवा दिया, पूरी तरह से गंवा दिया। अब आरक्षण आपने कर दिया है, मगर पिछड़ी जाति के नेता क्या कर रहे हैं? वो याद दिला रहे हैं मोहन भागवत का बिहार चुनावों से पहले दिया गया वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए और जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है उस पर हमें फिर से सोचना चाहिए। उनके एक बयान की वजह से आपको बिहार में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब चाहे तेजस्वी यादव हो, आपके बाकी जितने भी रामगोपाल यादव हो, या जो पिछड़ी जाति के तमाम नेता हैं, वो जमीन तैयार कर रहे हैं ये भ्रांति फैलाने के लिए कि देखिए इससे कहीं ना कहीं आरएसएस जो है वो जाति के आधार पर जो आरक्षण मिल रहा है उसे खत्म करने की जमीन तैयार कर रही है। और आपने कहीं ना कहीं भानुमति का पिटारा भी खोल दिया है। वो किस तरह से खोल दिया है? अगर आपने 50% के दायरे को लांघ दिया फिर क्या होगा, जितनी भी अन्य जातियां हैं जो इस दायरे में शामिल नहीं है वो अब आंदोलन करना शुरू करेंगे। पिछड़ी जातियां जिन्हें अभी आरक्षण मिल रहा है उनकी तरफ से मांग उठनी शुरू होगी कि हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन की वजह से, अपने रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक हमारी जो मौजूदगी है, हमारी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से हमें अब आरक्षण मिलना चाहिए। क्या आपको अंदाजा है दैट हाउ यू हैव ओपन्ड अ पैंडोरास बॉक्स मिस्टर नरेंद्र मोदी? एक भानुमति का पिटारा खोल दिया है आपने, मगर आपने इस पर विचार नहीं किया, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा था यह आपका अंदाजे बयां है कि पहले आप कूद जाते हैं और उसके बाद आप यह विचार करते हैं। और एक बार फिर दोहरा दूं रविशंकर प्रसाद जी कि यह मेरा देश है, यह आपका 2020 ओवर्स का मैच नहीं चल रहा है। इसमें जो कदम उठाए जाते हैं वह भविष्य पर निगाह रख के उठाए जाते हैं, किसी एक व्यक्ति का महिमा मंडन उसे ऊंचा बनाने के लिए, क्योंकि आप तो वैसे ही उन्हें ईश्वर मानते हैं, मगर आप ईश्वर से ऊपर उन्हें कहां ले जाएंगे आप? तो मुझे उम्मीद है कि यह जो कदम उठाया गया है बाकी कदमों की तरह डिजास्ट्रस नहीं होगा, इसके कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं होंगे, क्योंकि यकीनन देश जो है ना इस तरह की अराजकता के लिए अभी तैयार नहीं है। मैं आपको 3 मिसालें देना चाहूंगा, वीपी सिंह, एलके आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीपी सिंह को मंडल का मसीहा कहा जाता है, मगर
आप भी जानते हैं कि उन्होंने मंडल आयोग इसलिए लागू किया क्योंकि उस वक्त उन्हें देवीलाल से सियासी चुनौती मिल रही थी। जॉर्ज फर्नांडिस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मंडल कमीशन लागू हो गया था तब लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि वीपी सिंह ने मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा, अब मुझे रथ यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। यानी कि वीपी सिंह जिन्हें मंडल का मसीहा कहा जाता था, उन्होंने मंडल कमीशन देवीलाल से मिल रही चुनौती के चलते लागू किया, और उसी तरह से लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या किया, उन्होंने मंदिर यात्रा जो है वो इसलिए शुरू की क्योंकि मंडल आयोग लागू हो चुका था। And this point goes back to 7th of August 1990, when the Mandal Commission recommendations were implemented. There was noise from the BJP. There were noises that the support of the government would be withdrawn. I went and met Lal Krishna Advani. And I told Advani ji that the direction that he was taking in terms of withdrawing support to the VP Singh government was not right. And you know Lal ji's reply? Lal ji said, George, you have left us with no alternative. और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरक्षण लेकर आए हैं क्योंकि उन्हें अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। और हम जानते हैं कि मंडल आयोग के बाद हिंसा की विभीषिकाएं, जिस हिंसा का हमने सामना किया था वो हम जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि उस रथ यात्रा का जो परिणाम था वो क्या हुआ था, जब 2500 लोग मारे गए थे एक के बाद एक दंगों में, और उस घटना से उत्पन्न हुई पूरी श्रृंखला से। मुझे उम्मीद है और मेरी प्रार्थना है कि देश ऐसी कोई कीमत नहीं चुकाएगा। मेरी आप सबसे भी अपील है कि बोल के लब आजाद हैं कि इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और न्यूज़ क्लिक के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।